ऋतुराज गायकवाड़ और रिंकू सिंह की तूफानी बल्लेबाजी के बाद प्रसिद्ध कृष्णा और जसप्रीत बुमराह की शानदार गेंदबाजी के दम पर टीम इंडिया ने जीता दूसरा मुकाबला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत और आयरलैंड के बीच दूसरे T20 मुकाबले में टीम इंडिया को बेहद ही शानदार जीत मिली, जहां पर पहले बल्लेबाजी में टीम इंडिया की तरफ से ऋतुराज गायकवाड़ और रिंकू सिंह के साथ संजू सैमसन की तूफानी बल्लेबाजी देखने को मिली, तो वहीं पर इसके बाद गेंदबाजों के कमाल के परफॉर्मेंस ने टीम इंडिया को इस मुकाबले में शानदार जीत दिला दी। तो दोस्तों, हम आपको इस मुकाबले में टीम इंडिया की इनिंग से लेकर आयरलैंड की इनिंग तक का पूरा हाईलाइट बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी रिंकू सिंह के इस बेहद ही शानदार परफॉर्मेंस से खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट जानते हैं शुरुआत से ही। तो दोस्तों, हम दूसरे T20 मुकाबले की शुरुआत की बात करें तो सबसे पहले टॉस की बात करें तो टॉस के लिए आज सिक्का उछाला पॉल स्टर्लिंग ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। टॉस जीतकर उन्होंने पहले भारतीय टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया, तो वहीं पर दोनों टीमें आज बगैर किसी बदलाव के साथ मैदान पर उतरी, यानी कि पिछले मुकाबले की उन्हीं प्लेइंग 11 के साथ एक बार फिर खेलती हुई नजर आई। दोनों टीमों के नेशनल एंथम के बाद शुरू हुआ आज का महामुकाबला। तो दोस्तों, भारतीय टीम की तरफ से एक बार फिर पारी की शुरुआत करने उतरे यशस्वी जायसवाल, तो उनके साथ थे ऋतुराज गायकवाड़। लेकिन दोस्तों, पहले ओवर में तो टीम इंडिया के ये दोनों बल्लेबाज कोई चौका नहीं लगा पाए, लेकिन दूसरे ओवर की पहली गेंद पर जोशवा लिटिल की गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ ने एक डाउन द लेग काफ़ी शानदार शॉट खेला और गेंद को 4 रनों के लिए भेजने में कामयाब हुए फाइनल लेग की तरफ। वहीं पर इसके बाद दोस्तों, इसी ओवर की चौथी पर यशस्वी जायसवाल के बल्ले से एक बेहतरीन पुल शॉट देखने को मिला और गेंद को मिड विकेट बाउंड्री लाइन के पार 4 रनों के लिए भेज दिया। तो वहीं पर इसी ओवर की पांचवी गेंद पर उन्होंने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए गेंद को डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से मैक्सिमम के लिए भेज दिया और इस मुकाबले का पहला छक्का जड़ दिया। वहीं पर इसके बाद तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर भी जायसवाल के बल्ले से एक और शानदार कट शॉट के जरिए 4 रन देखने को मिला और शॉर्ट थर्ड की तरफ गेंद को उन्होंने चौके के लिए भेज दिया। लेकिन चौथे ओवर की चौथी गेंद पर वो एक और पुल शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार कैंपर के बेहतरीन कैच के चलते यहां पर पहली सफलता मिली आयरलैंड की टीम को और 11 गेंदों पर 18 रन बनाकर यशस्वी जायसवाल पेवलियन लौटे। यंग ने उन्हें पेवलियन भेजा। इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर क्रीज पर उतरे तिलक वर्मा, लेकिन तिलक वर्मा आए और गए। आज के मुकाबले में भी वो ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए और डॉकरेल को अपना केस थमा बैठे और 2 गेंदों पर सिर्फ 1 रन बनाकर चलते बने। लेकिन इसके बाद क्रीज पर उतरे संजू सैमसन ने यहाँ पर छठे ओवर की आखिरी गेंद पर एक बेहतरीन चौका थर्डमैन की तरफ लगाया, जहाँ पर गेंद को शानदार तरीके से उन्होंने 4 रनों के लिए भेज दिया। इसके बाद दोस्तों, यहां पर सातवें ओवर की आखिरी गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ ने भी कमाल का शॉट खेलते हुए गेंद को मिड विकेट बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इसके बाद आठवां ओवर टीम इंडिया के लिए कमाल का रहा, जहां पर आठवें ओवर की दूसरी गेंद पर डीप स्क्वायर की तरफ शानदार चौका ऋतुराज गायकवाड़ के बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी उन्होंने शानदार चौका मिड विकेट की तरफ लगाया, इस बार कमाल का शॉट खेलते हुए उन्होंने गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों, दसवें ओवर की दूसरी गेंद पर संजू सैमसन ने भी स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड शानदार शॉट खेला और गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। तो इसके बाद 11वें ओवर में भी संजू सैमसन ने कमाल की बल्लेबाजी करके दिखाई, जब जोशवा लिटिल के इस ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार चौका जड़ दिया और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा, 1 बाउंस चौका गया। इसके बाद दूसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से कमाल का शॉट देखने को मिला और एक बार फिर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से ही शानदार चौका लगाकर इस ओवर में बैक टू बैक 2 चौके जड़ दिए। लेकिन तीसरी गेंद पर भी उन्होंने शानदार चौका लगाया, विकेट कीपर के पास से गेंद चौके के लिए चली गई और 3 गेंदों पर लगातार 3 चौके संजू सैमसन ने जड़ दिए, जबकि इसी ओवर की पांचवी गेंद पर उन्होंने एक शानदार पुल शॉट खेलते हुए गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और इस ओवर में कमाल की बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 3 चौके और 1 छक्का लगाकर जोशवा लिटिल के इस ओवर को काफ़ी महंगा साबित कर दिया। लेकिन इसके बाद संजू सैमसन की बेहतरीन पारी को समाप्त किया बेंजामिन व्हाइट ने, जब उन्होंने 13वें ओवर की दूसरी गेंद पर बोल्ड करके संजू सैमसन को पेवलियन भेजा। सैमसन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 26 गेंदों पर 40 रनों की पारी खेली। उनके आउट होने के बाद क्रीज पर उतरे
रिंकू सिंह। तो वहीं पर दोस्तों रिंकू सिंह ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए 15वें ओवर की पहली गेंद पर एक शानदार चौका डीप मिड विकेट की तरफ लगाया। ये उनका कमाल का स्ट्रोक स्वीप शॉट था जिस पर 4 रन आए टीम इंडिया के लिए। इसके बाद दोस्तों ऋतुराज गायकवाड़ ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने भी एक स्लॉग स्वीप खेलते हुए बिहाइंड द स्क्वायर 4 रनों के लिए गेंद को भेजा और अपनी बेहतरीन 50 पूरी कर ली। ऋतुराज गायकवाड़ ने 40 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, लेकिन अर्धशतक के बाद उन्होंने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 15वें ओवर की 5वीं गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ा व्हाइट की ही गेंद पर और अपनी आक्रामक तेवर दिखाए। लेकिन इसके बाद दोस्तों 16वें ओवर की पहली गेंद पर वो एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार वो ट्रैक्टर को अपना केस थमा बैठे और ऋतुराज गायकवाड़ इस मुकाबले में बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 43 गेंदों पर 58 रन बनाकर पेवलियन लौटे और भारतीय टीम को उनके रूप में बड़ा झटका लगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नए बल्लेबाज शिवम दुबे और रिंकू सिंह संघर्ष करते हुए नजर आए, क्योंकि वो 3 ओवर तक कोई भी चौका नहीं लगा पाए। लेकिन इसके बाद 19वें ओवर की दूसरी गेंद पर रिंकू सिंह ने डीप एक्वर्ड पॉइंट के ऊपर से एक शानदार चौका मैकार्टी की गेंद पर लगाया। तो वहीं पर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर से जड़ दिया। यह भी कमाल का शॉट था जिसमें उन्होंने 6 रनों के लिए गेंद को स्टैंड में डिपॉजिट किया। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी उन्होंने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक और गेंद को मैक्सिमम के लिए भेज दिया और इस ओवर में कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 22 रन बटोर लिए रिंकू सिंह ने। तो वहीं पर इसके बाद 20वें ओवर की पहली गेंद पर मेयर कदेर के शानदार छक्का शिवम दुबे के बल्ले से देखने को मिला, जहां पर उन्होंने एक लो फुलटॉस गेंद को 6 रनों के लिए फाइन लेग के ऊपर से भेज दिया। तो वहीं पर इसी ओवर की दूसरी गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार छक्का मिड विकेट के ऊपर से लगाया और यहां पर कमाल की टाइमिंग उनके बल्ले से देखने को मिली। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर डीप मिड विकेट के ऊपर से रिंकू सिंह ने भी शानदार छक्का जमा दिया। लेकिन दोस्तों 5वीं गेंद पर वो एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर यंग ने उनका कैच किया और मार्क अदेर ने पेवलियन भेजा। रिंकू सिंह ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 21 गेंदों पर 38 रनों की पारी खेली। तो वहीं पर इसके बाद आखिरी गेंद पर एक रन बना जिसके चलते टीम इंडिया 20 ओवर में 185 रनों का स्कोर खड़ा कर पाई और 186 रनों का लक्ष्य रखा आयरलैंड की टीम के सामने। वहीं पर इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी आयरलैंड की तरफ से पॉल स्टर्लिंग और एंड्रयू बल्बर ने पारी की शुरुआत करने उतरे। तो दोस्तों पहले ओवर में एक वाइड का चौका जरूर गया जिसके चलते 5 रन मिले यहां पर आयरलैंड की टीम को, लेकिन इसके अलावा पहले ओवर में और कोई भी बाउंड्री नहीं निकाल पाई आयरलैंड की टीम। लेकिन दूसरा ओवर डालने आए अर्शदीप सिंह की पहली गेंद पर बेहतरीन चौका एंड्रयू बल्बर ने के बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार चौका जड़ा और इस बार भी गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और इस ओवर का दूसरा चौका जड़ा। लेकिन तीसरा ओवर प्रसिद्ध कृष्णा डालने आए तो उन्होंने तीसरी ही गेंद पर पॉल स्टर्लिंग को जलता किया। पॉल स्टर्लिंग का बेहतरीन कैच अर्शदीप सिंह ने पकड़ा और टीम इंडिया को पहली सफलता मिली। आयरलैंड के कप्तान पॉल स्टर्लिंग अपना खाता भी नहीं खोल पाए और 4 गेंदों पर 0 रन पर ही आउट हो गए। इसके बाद नए बल्लेबाज टक्कर क्रीज पर उतरे, लेकिन वो भी ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए और प्रसिद्ध कृष्णा के इस ओवर की आखिरी ही गेंद पर वो भी ऋतुराज गायकवाड़ को अपना कैच थमा कर चलते बने और भारतीय टीम को एक और सफलता मिल गई तीसरे ओवर में ही। यहाँ पर टक्कर भी 3 गेंदों पर 0 पर ही आउट हो गए। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हैरी टक्कर से उम्मीद थी, लेकिन वो भी कुछ खास नहीं कर पाए और 6वें ओवर की दूसरी गेंद पर बोल्ड होकर पेवलियन लौटे। यहां पर रवि बिश्नोई ने उन्हें आउट किया और वो 7 गेंदों पर 7 रन बनाकर चलते बने और भारतीय टीम को तीसरी सफलता मिली। इसके बाद यहां पर एंड्रयू बल्बर ने काफी शानदार परफॉर्मेंस करते हुए नजर आए जब उन्होंने 7वें ओवर की तीसरी व चौथी गेंद पर 2 स्वीप शॉट के जरिए बेहतरीन चौके लगाए और दोनों शानदार तरीके से लॉन्ग लेग की तरफ चौके भेजने में वो कामयाब हुए। दोनों शॉट एक जैसे ही थे जिन पर चौके उन्होंने जड़े। इसके बाद दोस्तों यहां पर 8वें ओवर में कमाल की बल्लेबाजी करते हुए आखिरी गेंद पर रवि बिश्नोई के कैंपर ने भी एक बेहतरीन छक्का लगाया और इस बार गेंद को बाउंड्री लाइन के पार पे जा उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से। लेकिन इसके बाद वो एक और स्वीप शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहां पर वो गलती कर बैठे और अपना कैच शिवम दुबे को थमा बैठे और कैंपर इस मुकाबले में 17 गेंदों पर 18 रन बनाकर चलते बने। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एंड्रयू बल्बर्नी ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 11वें ओवर में 2 बेहतरीन छक्के
शिवम दुबे के ओवर में चढ़े, जहां उन्होंने एक एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से जड़ा तो एक शानदार तरीके से बिहाइंड द स्क्वायर खेला। इसके बाद दोस्तों यहां पर 13वें ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने चौके के साथ अपना अर्धशतक पूरा कर दिया। यह उनके T20 कैरियर का 10वां अर्धशतक था। अर्धशतक के बाद यहाँ पर दूसरे छोर से डॉकरेल ने भी शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 13वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक बेहतरीन छक्का जड़ा लॉन्गोन के ऊपर से रवि बिश्नोई की गेंद पर, और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप पूरी हो गई। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर बलवर्नी और डॉकरेल के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और यहां पर रनआउट होकर पेवलियन लौटे डॉकरेल। लेकिन इसके बाद शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 16वें ओवर की तीसरी गेंद पर बॉलबर्नी ने एक और शानदार छक्का डीप स्क्वायर के ऊपर से जड़ा, लेकिन इसकी अगली ही गेंद पर वो अपना विकेट गंवा बैठे और अर्शदीप सिंह ने संजू सैमसन के हाथों कैच कराकर उन्हें पेवलियन भेजा। इस मुकाबले में एंड्रू बॉलबर्नी ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 51 गेंदों पर 72 रनों की पारी खेली। लेकिन उनके आउट होने के बाद यहाँ पर जसप्रीत बुमराह ने टीम इंडिया को एक और सफलता मैकार्थी के रूप में दिला दी। 17वें ओवर की चौथी गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने मैकार्थी को रवि बिश्नोई के हाथों कैच कराकर पेवलियन भेजा। इस मुकाबले में तो मैकार्थी कुछ ज़्यादा खास नहीं कर पाए और 4 गेंदों पर 2 रन बनाकर चलते बने। इसके बाद यहां पर मार्क अदेर ने 18वें ओवर की पहली गेंद पर एक शानदार छक्का डीप मिड विकेट के ऊपर से लगाया और गेंद को स्टैंड में डिपोजिट किया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 19वें ओवर की पहली गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार छक्का स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड देखने को मिला, जहाँ पर उन्होंने कमाल का छक्का स्ट्रेट बाउंड्री लाइन के ऊपर जड़ दिया। इसके बाद इसी ओवर की दूसरी गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार छक्का प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर लगाया, लेकिन यहाँ पर बुमराह ने उन्हें इसके बाद कैच आउट करके पेवलियन भेजा। मार्क अदेर यहाँ पर 15 गेंदों पर 23 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद टीम इंडिया ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए इस मुकाबले को 33 रनों से जीत लिया। आयरलैंड की टीम ने 20 ओवर में 152 रन ही बनाए, जबकि भारतीय टीम ने सीरीज में अब 2-0 की बढ़त बना ली है। तो दोस्तों टीम इंडिया की जीत आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ।